हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलटेक। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में आपकी बैटरी हो ख़त्म हो जाती है जल्दी से, एंड जो इंटरनेट का डेटा है वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाना चाहता है, ठीक है। तो आज एक मैं बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके काम की आएगी। उससे क्या होगा, आपका जो बैटरी है की लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, एंड आपका इंटरनेट डेटा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि हम कुछ यूज़ ही नहीं किया होता इंटरनेट, फिर भी मैसेज आ जाता है कि योर 50% डेटा हैज़ बीन यूज, ठीक है। तो आपको एक बढ़िया सेटिंग है वो कर लेना, तो आपके डेटा फालतू के डेटा है वो खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपको चले जाना है आपके सेटिंग में, सेटिंग में आपको डाउन करके चले जाना है यहाँ पे सिस्टम सेटिंग, ठीक है। सिस्टम सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन है वो बिल्ड नहीं किया है, तो आप देख लीजिए गूगल में और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि डेवलपर ऑप्शन है वो कैसे इनेबल करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिस्टम ओपन करने के बाद आपको चले जाना एडवांस में, एंड यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। तो आपको जस्ट वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगी, स्क्रॉल करके चला जाना है नीचे, वहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वो ढूंढना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है। तो चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ बैकग्राउंड प्रोसेस। आप यहाँ से सर्च करके भी बैकग्राउंड सर्च करके आप वहाँ से यहाँ पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है। तो मैं इसलिए स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिखने को मिल गया बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट दिख रहा है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, एटमोस्ट 1 प्रोसेस, एटमोस्ट 2 प्रोसेस, एटमोस्ट 3 प्रोसेस एंड एटमोस्ट 4 प्रोसेस, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे मेरा अभी स्टैंडर्ड लिमिट है वो टिक किया हुआ है, तो मेरा जो बैकग्राउंड है प्रोसेस चलता रहता है, एंड बैटरी भी कंज्यूम होती रहती है, एंड फालतू के ऊपर से इंटरनेट का डेटा भी कंज्यूम होता रहता है। और कभी क्या होता है कि मैं कभी नेट यूज़ भी नहीं करता, फिर भी मेरा 50% डेटा है वो फालतू के चला जाता है, वो इसी स्टैंडर्ड लिमिट के बदल, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस से बहुत सारी एप्लीकेशन हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल में रहती है, तो बैकग्राउंड में चलती रहती है, ठीक है। तो वो डेटा यूज करती रहती है, ठीक है, और बैटरी भी यूज करती है। तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके जो मोबाइल के वो बैटरी भी बच जाएंगे एंड इंटरनेट का डेटा भी बच जाएंगे, ठीक है। एंड ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप ठीक है ये सेटिंग कर सकते हैं, आपकी बैटरी भी बचा सकते हैं एंड डेटा भी बच जाएगा, एंड बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी ट्रिक थी आपको बताना जरूरी थी, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।